भाई जैसे देखो यहाँ कोरोना चल रहा है तो खाने पीने की चीज़ें बंद है, तो अब कोरोना काल में जो भी बंदा आएगा तो अपना मास्क खाने पीने का सामान खुद लेके आए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना चल रहा है तो बंद है सब कुछ, ये खाने पीने का सामान नहीं तो यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिलता है। आप यहाँ पे पे कर सकते हो खाने पीने के लिए। आज आपको मैं दिखाता हूँ, वैसे तो यहाँ मिलता है खाना पीना पर इस समय बंद है, तो प्लीज़ अपना खाना अपने साथ खाना और जो भी पीने वाने का चीज़ है अपने साथ लें। पानी नहीं ला सकते आप चलेगा, क्योंकि पानी यहाँ पीने की सुविधा कराई गई है। आप आपको शीशे के अंदर ले जाते हैं, आपको दिखा रहे मोटे पतले और हमारे फेस अलग अलग टाइप के दिखेगा। आज आपको यानी हम फुल इंजॉय करने वाले हैं, ये देखो। ओ भाई हमारे श्रीपाल भाई कैसे लग रहे हैं देखो, आगे चलिए। कहीं लंबा तो कहीं छोटा, कहीं मोटा तो पतला दिखेगा आपको। मजा बहुत आता आपने आपको ऐसे देख के। अच्छा ये देखो हंसी आती है अपने आपको देख के। मैं तो शकल ही दिख रहा भाई इसमें, कहाँ गया मैं इसमें, ऊपर नीचे सेम सेम हो गया भाई मैं यहाँ पे। आ जाओ आगे, ये देखो एक का दो बन रहे हैं यहाँ पे, एक का डबल देखो, एक का डबल, एक का डबल, ये क्या है भाई। आ जाओ भाई, ये तो हेरा फेरी फिल्म में होता है एक का डबल। ये और भी ज्यादा बिल्कुल ओ खड़ जा यार तू, ये हमारे अंकल जी बैठे हुए हमारी देश की रक्षा करते हुए। क्या कर रहे हो और अंकल, थोड़ी शूटिंग कर रहे हो? आए तो यहीं से जी, चलो यहाँ आए जी, सेक्टर 12 से। सेक्टर 12 से, हाँ जी, पी आई। ना ना खड़ा होले तो 2 बजे एसी चले, एसी में चले, एसी में खड़ा हो पड़ जाए पछे नंबर के अंदर। किम है ये देखो दोस्तों, हम जाएंगे इसके अंदर। कैसा बनाया हुआ, सारा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, कितना देखने में कितना। बढ़िया लग रहा है। कोरोना करके यहाँ पे भीड़ नहीं है, इसमें तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अब इसके अंदर कंपाउंड से बनी, घास घूस से बने इस पूरे घर। अब यहाँ इतना ठंडा मौसम है ना, इतना ठंडा ए सी लगा हुआ है। यहाँ एसी लगा हुआ है, बहुत ठंडा मौसम, बहुत ठंडा कर रखा है। ये देखो दोस्तों पतंगे कपड़े से बनाई गई हुई है, कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा हुआ है। लाइटें वगैरह देखो दोस्तों, देखो एक बच्चा अपनी माँ को लेके बैठे हैं, देखने में कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर गांव जैसे बनाया गया है, रेगिस्तान जैसे आप यहाँ देखोगे, रेगिस्तान की तरह लगा हुआ है, यहाँ गांव घर की तरह बनाया हुआ है, एसी लगा हुआ है। गर्मी लग रही वैसे, 2014 में गर्मी पे हट गई, ठीक है ठीक है। देखो एसी वगैरह लगी हुई है, यह पूरा गांव घर की तरह बना रखा है। देखो रेगिस्तानों की तरह बना रखा है पूरा। देखो दोस्तों ये ऊंट, ऊंट पे सवार हमारे, आइए दोस्तों आगे ले चलते हैं। ये तो बंद होने से
वीडियोग्राफी करना मना है तो लड़की हाँ जी वीडियोग्राफी नहीं करना इसकी वीडियोग्राफी करना मना है मन बोल हमारे शिवान भाई खड़े होते हुए अभी हमें कुछ पुलिस वालों ने रोका कि यहाँ वीडियोग्राफी करना मना है फिर भी हम चुप चुप के कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए तो हम जा रहे हैं बाहर ये देखो देखो कुआं है बस देखो यहाँ से पूरा गांव का सीन कर रखा है कि देखो दोस्तों जैसे शादी हो रही है दूल्हे जी घोड़े पे सवार होते हुए अपनी दुल्हन को ले जाते हुए ये पीछे डोली दुल्हन भी बैठती हुई ये हमारे नेकचंद जी की कलाकारी है और ये हमारा टेंपल यहाँ इतना ठंडा है पूरा एसी चला हुआ है आप एंजॉय कर सकते हैं कभी भी आए तो यहाँ जरूर घूम के जाएं अब हम जाते हुए एग्जिट ये स्वागत करते हुए बाय बाय टाटा बोलते हुए अब हम एग्जिट आ चुके हैं सारी चीज़ यहाँ पे सीमेंट से बनी हुई है अच्छा तो दोस्त भाई शिवकांत कैसा लगा आपको यहाँ पे भाई फुल मजा है यहाँ पे पूरे मस्ती मार सकता यहाँ पे अभी अभी और भी घूम रहे हैं झूले वो लगे हैं यहाँ पे अंदर भी जाना आपको पेट वगैरह सब कुछ दिखेगा आ जाओ कोई खाते ये हमारा जो है नेकचंद जी इन्होंने इन सब चीज़ों को बनाया डांगर रोड किया है इन्होंने किया जो भी किया ये है जी नेकचंद इन्होंने इन्हीं की ये बदौलत हम यहाँ घूम पा रहे हैं और किधर जाना भाई सुबह
थोड़ी सी गाइडलाइन है। हम एग्जिट होते हुए आगे हम आपको मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया, बहुत कुछ टाइम से बारिश वाला मौसम हो रहा है, कभी कभी बारिश हो रही है यहाँ पर, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश वाला धूप नहीं है इतना, आज हम आगे साथ चाहते हैं, ठंडा हो गया मौसम। शिकान झूले तो है नहीं भाई? झूले हैं भाई, ये सारे झूले ही लटका दी उन्होंने, उन्होंने करके बंद किया था कुछ। दोस्तों ये यहाँ झूले लगे होते हैं, फिलहाल कोरोना करके इन्होंने बंद कर रखा हुआ है, नहीं तो आपको हम फुल एंजॉय दिखाते। झूले झूले के लगे रंजीत जितने भी सारे झूले वाले देखो दोस्तों, ये देखो ना ये सारे ये झूले लगे हुए, सब झूले ये जितने भी जंजीरें दिख रही है वो झूले वाली है, इन्होंने कोरोना करके ऊपर कर दिया झूले। ये देखो ये है, आप देख सकते हो, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे जब झूले झूल रहे होते सारे, यहाँ पे कोरोना करके भीड़ नहीं है, ये तो बहुत भीड़ होता है यहाँ पे भी। भाई लोग कलाकारी देखो, ये आपको देखने में पुतला लग रहा होगा पर इसके बहुत कारनामे हैं, ये डस्टबिन का भी काम करते हैं। देखो इसमें आप डस्टबिन का भी यूज़ कर सकते हैं, देखने का भी यूज़ का भी, ऐसी चीज़ के तो हम दीवाने हैं। बोल भाई यहाँ पे बारिश होने लगी, अब वो पहले ही बता रहा है कि बारिश वाला मौसम हो चुका है, बारिश होने लगी, बड़े बड़े बूंदे पड़ रहे हैं, धीरे धीरे कब तेज हो गए, तो इसीलिए हम चलते हैं घर की तरफ, एग्जिट की तरफ, एग्जिट में आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे जो जो है, चलते हैं एग्जिट जा रहे हैं। चलो आगे जा, बोल आगे भाई, आगे एग्जिट तक जा रहे हैं, यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं।
टैले और टॉयलेट टॉयलेट की सीट से बनी हुई है सारी। आप देखते हो बहुत पुरानी चीज़ें हैं टॉयलेट की सीट से, जो हमारे घर में टाइल टोल बच जाती है उन्हीं से ये बनाई गई है। और बनाने वाले श्री नेक चंद्र जी हमारे शिवकांत भाई के रिश्तेदार ही हैं, वो इनके दादा के परदादा थे है कि नहीं। वो मैगजीन जाते हुए ये सारी ये किससे बनी हुई है? चूड़ियों से, रंग बिरंगे चूड़ियों से, जो भी है रबर बैंड हो गया, ये सब हो गया, चूड़ियाँ हो गया, ये सब इसी से बनी हुई है। ये दोस्तों देखो हमारे पहलवान कुश्ती करते हुए, ये लोग यहीं की रक्षा करते हैं और इन्हीं को देख के लोग, इन्हीं को देखने के वास्ते लोग दूर से आते हैं और इनका फुल इंजॉय लेते हैं, ये भी इंजॉय करते हैं लोगों को देख के। अब दोस्तों हम आपको एक चीज़ और, टिप टिप बरसा दोस्तों बारिश होने लगी है, बहुत तेज होने लगी है बारिश, यहाँ पे ब्रिज तेज तेज धुंधे पड़ रही है, अब हमें भागना पड़ेगा। आजा सिकुन आजा, अब हम जाते हुए अपने घर की तरफ, बाहर की तरफ, और बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा अच्छा लग रहा है कि आप सब आपके लिए शूट कर रहे हैं। ये जो पानी के वजह से जो छुप रहे ना, उनको ये नहीं पता कि पानी का मजा ना जब बारिश होता है झीलने में कितना मजा आता है पानी, उनको ये नहीं पता, वो छुप रहे हैं इसमें से, इन जगह पर नहीं होंगे तो कहाँ भी होंगे। ये तो सही कहा, यही मजा आता है। आज हम दोस्तों में ये आ चुके हैं बाहर, बाहर आप देख सकते हैं कितना बारिश हो रही है।